अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी फूड किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन के कोफ्ते। इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए 3 मीडियम साइज के टमाटर, 125 ग्राम दही, 10 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज के प्याज, 10 लहसुन के जवे, थोड़ा सा धनिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून साबुत जीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च के दाने, 5 लौंग, 1 छोटी साइज के दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। कोफ्तों के लिए आपको चाहिए 1 किलो मटन का कीमा, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 दरमियाने साइज का प्याज, इसको पीस लिया है, 4 हरी मिर्ची, इनकी भी पेस्ट बना ली है, 6 टेबलस्पून बेसन, इसको रोस्ट करके छान लिया है, 2 चुटकी जायफल पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल में कोफ्तों के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और कीमे के मिक्सचर के साथ बॉल्स बना लेंगे। इन बॉल्स को हम ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे दरमियानी तेज आग पे, जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाती। एक पैन में ऑयल डाल लेंगे और फिर इसमें लहसुन और प्याज डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते।
अब हम इसमें टमाटर और अदरक का पेस्ट डाल के भून लेंगे। ये सब चीज़ों को हम आग बंद करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये पेस्ट नहीं बन जाती। अब इस पेस्ट में सारे साबुत गरम मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दरमियानी तेज आग पे पका लेंगे। अब हम इसमें बाकी मसाले और दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम दरमियानी तेज आग पे अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें हम फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 कप पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम उबलने देंगे।
जब ये उबलना शुरू हो जाए तो इसको कवर करके 10 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला और धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटन के कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके कैसे बने।